हेलो शिवांश की फैमिली, कैसे हैं आप सब दोस्तों। स्वागत है आपका आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल शिवांश में। दोस्तों आज आपका भाई आपके लिए लेके आ गया 4 BHK का 1250 स्क्वायर फीट का 4 BHK फ्लैट, जिसके अंदर आपको लोन की फैसिलिटी मिल जाएगी, लाइट पानी सीवर सब कुछ आपको ओके मिलेगा, BSES की लाइट मिलेगी दोस्तों, MCD का वाटर मिलेगा, वाटर कनेक्शन आपको इसके अंदर दोनों मिल जाते हैं। साथ ही साथ बात करूँ उसकी फैसिलिटी की और अमेनिटीज की, तो लिफ्ट कार पार्किंग आपको मिल जाती है, फ्रंट में आपको चौड़ा रोड मिल जाता है 25 फीट का, साथ ही साथ मेन रोड से और मेट्रो से दूरी है मात्र 2 मिनट की। और दोस्तों इसके बाद आपको सारी फैसिलिटी आपको मिल जाती है, स्कूल आपको नियर बाय मिल जाता है, हॉस्पिटल आपको नियर बाय मिल जाते हैं, ATMs वगैरह पार्क वगैरह सब कुछ आपको नियर बाय मिल जाता है। बहुत ही शानदार सा 4 BHK फ्लैट है दोस्तों आप लोगों के लिए, ये गिफ्ट है नवरात्रों के अवसर पे आपके लिए। और दोस्तों इसके साथ ही साथ आपको एक चीज और बता देता हूँ, इस फ्लैट के लिए कोई आपने सारा कैश पैसा नहीं देना, मुझे कैश पेमेंट नहीं करनी, लोन फैसिलिटी इसमें अवेलेबल है दोस्तों, 80-90 मिनट आपको लोन की फैसिलिटी मिल जाएगी इसमें। तो दोस्तों देरी ना करते हुए आपको शानदार सा अपना फ्लैट दिखाता हूँ 4 BHK का, आइए मेरे साथ। तो दोस्तों आ चुका अपनी बिल्डिंग के ऊपर, जैसा कि मैंने आपको बताया था मेरे फ्रंट में जो है वो 4 BHK का फ्लैट है, उस तरफ मेरा 3 BHK का फ्लैट है, बट आज जो हम आपको दिखाने वाले हैं 4 BHK का फ्लैट है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आप लिफ्ट का काम चल रहा है, यहाँ पे लिफ्ट का प्रोविजन आपको मिलेगा। अब ले चलता हूं दोस्तों अपने शानदार से जानदार से फ्लैट के अंदर एकदम 5-स्टार होटल वाली आपको फीलिंग आने वाली है। सबसे पहले इसका ड्राइंग रूम देखिए दोस्तों, इंटीरियर देखिए, बहुत ही शानदार सा वर्क कर रखा है ग्लास के साथ, एक वुडन के साथ। और दोस्तों साथ ही आप देख सकते हैं ये देखिए, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना ये क्या चीज है। वैसे आपको बता देता हूँ दोस्तों, ये जो है ये टाइल्स है, टाइल्स के साथ आपको बहुत प्यारा वर्क कर दे रहे हैं, टाइल्स है दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, वुडन की बोल्डिंग है, साथ ही ग्लास का वर्क है, बहुत ही प्यारा वर्क आपको करके दे रहे हैं पूरे ड्राइंग रूम के अंदर। पूरा एक बार नजर डालिए इसके अंदर, पूरे ड्राइंग रूम के अंदर बहुत ही प्यारा वर्क आपको मिल रहा है। फैंसी लाइट्स हम लोग आपको लगा के दे देते हैं, AC की फिटिंग आपको पहले से मिल रही है। और दोस्तों साथ ही बात करूँ फॉल्सिंग के डिजाइन की, तो अभी फॉल्सिंग का डिजाइन देखिए, बहुत ही प्यारा इसमें फॉल्सिंग आपको डिजाइन मिल रहा है, प्यारा सा बीच में सैंपल में आपको झूमर मिल रहा है, 2 फैन लगे हुए हैं। साथ ही इसके अपोजिट साइड आपको दिखाना चाहूंगा एक बार, देखिए बहुत ही शानदार सा LCD पैनल देखिए दोस्तों, क्या लुक आ रहा है इसका। नीचे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा LCD पैनल है, ऊपर आपका PVC पैनल के साथ बढ़िया सा वर्क कर रखा है ग्लास के साथ, एक देखिए देखिए दोस्तों बहुत ही प्यारा वर्क किया है। इसके साथ में देखिए दोस्तों ये देखिए, ये पूरा आपको शोकेस मिल जाता है, इसमें सामान रखने में कुछ भी आप लोग रख सकते हैं, नीचे आपको ड्रॉस मिल जाते हैं। और दोस्तों बात करो इसके ड्राइंग रूम के साइज की, तो ये देखिए दोस्तों कितना बड़ा आपको ड्राइंग रूम मिल रहा है, पूरा 9 सीटर सोफा लगा हुआ है, बीच में बड़ा टेबल लगा हुआ, तब भी आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा स्पेस आपको मिल जाता है। इसके ठीक अपोजिट आपको मिल जाता है एक वुडन का आप लोग मंदिर बना के दे रहे हैं, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे आप सुबह सुबह आप मंदिर में पूजा कर सकते हैं, कुछ मंदिर में जाकर के सुबह भगवान का नाम ले सकते हैं। दोस्तों ड्राइंग रूम का साइज इसके बाद दिखाऊं तो बहुत ही प्यारा है, लगभग इसका जो साइज है 13x18 का उसका ड्राइंग रूम मिल रहा है। अब आपको दिखाता हूँ दोस्तों इसके अलावा हमारा मेन चीज किचन, दोस्तों किचन में आपको ले चलता हूँ, यू शेप का पूरा आपको किचन मिल रहा है, बहुत ही प्यारा सा वर्क किया है किचन के अंदर, पूरा ग्लास के साथ आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए कितनी फिनिशिंग है दोस्तों इसके अंदर, ये देखिए बीच में आपको वेंटिलेशन के लिए इसमें चिमनी मिल जाती है, इधर पूरा आपको ड्रॉस वगैरह मिल जाते हैं, बास्केट मिल जाती है, ये देखिए यहाँ भी आपको दोस्तों ड्रॉस मिल जाते हैं। और दोस्तों ये देखिए इसके अंदर भी आपको प्यारा सा, जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं लाइट चल जाती है, इसके अंदर पूरा आपको देख सकते हैं कुछ भी आप सामान रखेंगे, ये देखिए ये ऐसे आप इसमें बंद किया तो ये बंद हो जाएगा, ऑन किया इसको ओपन किया आपने पूरे इसके अंदर लाइट जल जाती है। दोस्तों इसके साथ ही आपको दिखाता हूँ, ये देखिए हमारा पेंट्री, पेंट्री के अंदर पूरा आपको इसमें लाइट का वर्क कर रखा है, पूरा बढ़िया सा स्टील का वर्क कर रखा है, यहाँ पे आपको 2 सिंक मिल जाती है, नॉइस सिंक आपको यहाँ पे मिल जाती है। दोस्तों ये था मेरा 4 BHK का किचन, अब आपको दिखाता हूँ सीधा अपना बेडरूम, फर्स्ट बेडरूम में ले जाना चाहूंगा, ले जाने से पहले आपको दिखा देता हूँ हमारा कॉमन वॉशरूम, जो उसका भी फील है एकदम 5-स्टार होटल वाला है। एक बार ये देखिए, ये हमारा कॉमन वॉशरूम है, वॉशरूम भी हम देख सकते हैं पूरा ग्लास का वर्क कर रखा है, ग्लास से पूरा आपका वॉशिंग एरिया बना रखा है, यहाँ पे आपको पूरे टैप्स वगैरह भी मिल जाएंगे, इसमें अभी काम चल रहा है, ये अभी पेंडिंग में है, सैनिटरी वर्क हम लोग बिल्कुल एंड में करा के देते हैं। दोस्तों अब आपको लेके आ गया अपने फर्स्ट बेडरूम के अंदर, फर्स्ट बेडरूम में आप लोग देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा वर्क कर रखा है, पूरा कोल्टिंग का वर्क हो रखा है, माइका का वर्क हो रखा है, साथ ही साथ बहुत ही प्यारा सा इसमें फॉल्सिंग का आपको डिजाइन मिल जाता है। सैंपल के लिए हमने दोस्तों इसमें बेड डाल रखा है, आप लोग देख सकते हैं बेड डालने के बाद भी आपको काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है। AC की फिटिंग हम लोग आपको पहले से करा के दे देते हैं, साथ ही साथ वेंटिलेशन के लिए आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको विंडो मिल जाती है, आप चाहो तो इसमें स्प्लिट AC या विंडो AC कुछ भी इंस्टॉल कर सकते हो। और दोस्तों साथ ही साथ आपको ये दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ आपको ड्रेसिंग एरिया मिल जाता है, ड्रेसिंग टेबल मिल जाता है, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे पूरा आपको मिरर लगा के दे रहे हैं, नीचे ड्रॉअर मिल जाता है,
यहाँ भी आपको एक वुडन टाइप में अलमीरा टाइप मिल जाती है, आप कुछ भी उसमें सामान रख सकते हैं, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको टेबल मिल जाता है, कुछ भी सामान वगैरह रखने के लिए ड्रॉस मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा फर्स्ट बेडरूम का आपको लेना चाहूँगा हमारे सेकंड बेडरूम के अंदर, जो हमारे ड्राइंग रूम्स होते हैं बिल्कुल लेफ्ट की ओर है टेम्पल की साइड से। वाओ दोस्तों ये रूम देखिए, बहुत ही प्यारा सा रेडी हुआ है। बीच में आप देख सकते हैं इसमें बेड रखा है सैंपल के लिए, और पीछे आप देखिए कितना अच्छा लुक है इसके अंदर, पूरे वॉल को कवर करके। इसमें कोई वॉल पेपर का यूज़ नहीं किया, शानदार सी वॉल रेडी करी है, कुछ ग्लास के साथ, कुछ पीवीसी पैनल के साथ, कुछ माइका के साथ। दोस्तों ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, ग्लास है बीच में, इसमें टाइल्स है, इसमें पीवीसी पैनल का काम है बहुत ही बढ़िया सा, और फॉल सीलिंग का डिज़ाइन देखिए दोस्तों कितना बढ़िया फॉल सीलिंग आपको डिज़ाइन मिल रहा है। साथ ही दोस्तों इस रूम में आपको जो है एक पूरी वॉल को कवर करके बड़ी सी अलमीरा मिल जाती है, ये देखिए वार्डरोब मिल जाती है, ये देखिए काफ़ी अच्छा आपको स्पेस मिल जाता है इसके अंदर, बहुत सारा आपका इसमें सामान आ जाएगा जो भी आप रख सकते हैं। ये देखिए इसके अंदर भी लाइट हमने लगा के दी हुई है, कई बार क्या होता है अपनी वार्डरोब खोलते हैं उसमें अंधेरा होता है, हमें सामान नहीं मिलता हमारा, कपड़े नहीं मिलते, लेकिन इसके लिए आपको पूरा ध्यान में रखते हुए पूरी लाइटिंग आप कर रखी है। ये देखिए दोस्तों इसके साथ में आपको ड्रॉस वगैरह मिल जाते हैं, दोनों साइड आप देख सकते हैं बेड रखा, बेड रखने के बाद दो इधर भी आपको दोनों ड्रॉर मिल जाते हैं, इसके अंदर भी आपको काफ़ी सारा सामान आ जाएगा, कुछ भी आप सामान अपना रख सकते हैं। इसके ठीक अपोजिट साइड आप लोग देखेंगे तो आपको बड़ा सा एक एलईडी पैनल इस रूम में ही मिल रहा है, नीचे ड्रॉर्स मिल रहे हैं, मतलब आपकी जरूरत को बहुत ध्यान में रखा हुआ है कि आपका छोटा मोटा जो भी सामान है सारा ड्रॉर्स के अंदर आ जाए। एसी की फिटिंग आपको इस रूम के अंदर ही मिल जाती है, हम लोग पहले से आपको करा के दे देते हैं। वेंटिलेशन के दोस्तों आपको दिखाना चाहूँगा, इस रूम में आपको एक बड़ी सी विंडो मिल रही है। तो दोस्तों ये था मेरा सेकंड बेडरूम, अब आपको दिखाना चाहूँगा हमारा थर्ड और फोर्थ बेडरूम जो हमारा बालकनी से अटैच है। सीधा चलते हैं अपने राइट हैंड की तरफ, ये हमारा थर्ड बेडरूम है। थर्ड बेडरूम में आप लोग देख सकते हैं इसमें भी सैंपल के लिए आपको बेड डाला हुआ है, पीछे कुल्टिंग का और वुडन का वर्क किया हुआ है माइका के साथ, आप लोग देख सकते हैं प्यारा सा वर्क कर रखा है। साथ ही फोर सीलिंग का डिजाइन आप लोग देख सकते हैं, इसमें भी बढ़िया सा एक फॉल सीलिंग का डिजाइन मिल जाता है। रूम के साइज़ की बात करो तो लगभग आपको 10x13 का आपको बेडरूम मिल रहा है, काफ़ी स्पेशल आपको बेडरूम मिल रहा है, और इस रूम के अंदर भी आपको बड़ी सी अलमीरा मिल रही है, एक वार्डरोब मिल रही है, ये देखिए दोस्तों डबल डोर के साथ, ये देखिए। नीचे भी आपको पूरे लॉकर्स वगैरह मिल जाते हैं सामान रखने के लिए। और दोस्तों इस रूम से अटैच आपको एक वॉशरूम मिल रहा है हमारा, एक हमारा कॉमन वॉशरूम है, दो अटैच है, ये हमारे थर्ड बेडरूम का अटैच है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें भी अब सेंटर का पेंडिंग है, बाकी पूरा टाइल्स वगैरह का बढ़िया काम हो रखा है। अब ले चलते दोस्तों इसी अटैच जो हमारी बालकनी है, सबसे पहले आप दोस्तों इसका बालकनी देखिए, बहुत ही शानदार इसका बालकनी एरिया है, काफ़ी वाइड है, काफ़ी चौड़ा है, आप लोग देख सकते हैं लगभग 4 फुट का स्पेस आपको मिल जाता है, कि पूरा आपको बालकनी एरिया मिल जाता है। यहाँ आप चाहो तो अपना टैप आपको मिल जाएगा, टैप इंस्टॉल करके देंगे, आप अपना वॉशिंग एरिया बना सकते हैं। दोस्तों अब बालकनी से होते हुए आपको दिखाता हूँ हमारा फोर्थ बेडरूम, लास्ट बेडरूम, 4 BHK की एंडिंग हम करेंगे अपने फोर्थ बेडरूम के साथ। तो दोस्तों हम आ चुके हैं बालकनी से होते हुए अपने फोर्थ बेडरूम में, स्वागत है आपका फोर्थ बेडरूम के अंदर। आप लोग देख सकते हैं सैंपल के लिए इसमें बेड डाला हुआ है, और पीछे कितना प्यारा कुल्टिंग का वर्क किया आप लोगों के लिए, और दोनों तरफ आपको डबल डोर के साथ अलमीरा मिल जाती है, वार्डरोब मिल जाती है। दोस्तों ये देखिए काफ़ी अच्छा आपको स्पेस मिल जाता है, नीचे आपको लॉकर वगैरह मिल जाते हैं, इसके नीचे आपको वार्डरोब मिल जाते हैं। दोस्तों दोनों तरफ आपको अलमीरा मिल रही है, दोनों ही सेम साइज की आपको मिल जाती है, नीचे भी आपको ड्रॉर्स वगैरह इसमें मिल जाते हैं, स्पेस काफ़ी अच्छा है दोस्तों इस रूम का। और सबसे खास बात, इस रूम की जो टाइल्स है वो काफ़ी प्यारी है, एक वुड लुक में है, वुडन लुक में है, बहुत ही प्यारी लग रही है। साथ ही दोस्तों इसमें आपको जो LCD पैनल मिल रहा है वो भी काफ़ी प्यारा है, आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए दोस्तों बहुत ही प्यारा आपको LCD पैनल इसके अंदर मिल जाता है, काफ़ी बड़ा। इसके अंदर भी आपका 55.5 इंच का TV बड़े आराम से इंस्टॉल हो जाएगा। इस रूम में भी दोस्तों आपको अटैच जो है वॉशरूम मिल रहा है, वॉशरूम आप लोग देख सकते हैं पूरा टाइल का वर्क रखा है, सैनिटरी अभी पेंडिंग है, आप लोग जानते हैं हम लोग इसे एंड में करा के देते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा शानदार सा, जानदार सा, लग्जरी सा 5-स्टार होटल जैसा 4 BHK का फ्लैट। आपको ये फ्लैट कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इस फ्लैट का प्राइस जानने के लिए, कोई भी डिटेल जानने के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मिलता है एक ऐसी वीडियो का, जब तक के लिए नमस्कार।